समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का एक विवादित बयान एक बार फिर से सामने आया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि भारत न कभी हिंदू राष्ट्र था और न कभी बनेगा। उन्होंने कहा कि आज अगर कोई हिंदू राष्ट्र की मांग करेगा तो कल कोई खालिस्तान की बात क्यों नहीं करेगा। इसी तरीके से अन्य धर्मों के नाम पर भी देश का बंटवारा होगा। एक बार फिर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान सामने आया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि भारत न कभी हिंदू राष्ट्र था और न कभी बनेगा। उन्होंने कहा कि आज अगर कोई हिंदू राष्ट्र की मांग करेगा तो कल कोई खालिस्तान की बात क्यों नहीं करेगा। इसी तरह अन्य धर्मों के नाम पर भी देश का बंटवारा होगा। आज तक भारत कभी हिंदू राष्ट्र था ही नहीं। जब आज तक कभी भारत हिंदू राष्ट्र नहीं था तो अब हिंदू राष्ट्र हो ही नहीं सकता। अगर कोई हिंदू राष्ट्र की बात करेगा तो कल कोई खालिस्तान की मांग क्यों नहीं कर सकता। कल कोई और देश को बंटवारे की बात क्यों नहीं कर सकता। धर्म के नाम पर और बंटवारे की बात कोई दुरा क्यों नहीं सकता। साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अगर कोई हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो कल कोई खालिस्तान की मांग क्यों नहीं कर सकता। उन्होंने ये भी कहा कि सनातन धर्म और सनातन उपदेश भगवान बुद्ध के ही दिए हुए हैं और जो कोई भी इसे मानता है मैं उसका स्वागत करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीस से आज सीधे बेंगलुरु पहुंचे और इस दौरान पीएम मोदी ने इसरो वैज्ञानिकों से मुलाकात की। पीएम ने वैज्ञानिकों से मिलकर उन्हें चंद्रयान 3